श्री कृष्ण को सुनो कृष्ण भगवान देखना चाहूँ जो आज मैं दो से याद रखे महान जो वीर लड़ने आए क्या का इनके नाम आत्मा ने अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। कौन सी एनजीओ के थ्रू चल रही है? हमारा गजारी एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल के तहत चल रहा है जी। श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धनीला मेहमान पे आप सबका स्वागत है। प्यारी सत्संग जी, आज हम मैं पहली मरतबा मेरा गांव का जो स्कूल है हिंदी स्कूल वो दिखाने जा रहे हैं। और मेरे पास मक्खन राम भाई आए हैं, अभी रहियार खान से आए हैं। और ये स्कूल है बच्चों का गजाली स्कूल। और मुकम्मल हम आपको दिखाते हैं अंदर, धार्मिक शिक्षा जो होती है वो देते हैं। जय श्री राम। कैसे हो? ठीक है। ये देखें दो तो ये बच्चे इस तरह भी स्टडी ले रहे हैं यहाँ पे। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। हमारे धर्म का नाम क्या है? सनातन धर्म के मंत्र कितने हैं? सनातन धर्म के वेद कितने हैं? कितने वेद हैं? चार। कितने हैं? कितने युग हैं? चार। जोर से बताना है, डिले नहीं होना। अच्छा, आप सबको मंत्र आते हैं? चले आप सब ने कट सुनाना। फिर एक दो तीन शुरू सुनाओ। नन्हे नन्हे से बच्चे अभी आपको जो मंत्र सुनाया है कि देखें, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो देखें, इतनी यानी कि बड़ी उम्र के नहीं है, चार साल पाँच साल ऐसे ही। कौन सी एनजीओ के थ्रू चल रही है? हमारा गजारी एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल के तहत चल रहा है जी। और भगवान हमारे इस कार्य को दिन दुनिया रात दुनिया बैठी दे और इसी के माध्यम से हम अपने बच्चों को दीनी और दुनिया के दोनों तालीम से रास्ता करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवत गीता का कोई श्लोक सुनाएंगे और उसका अर्थ भी साथ में सुनाएंगे और भगवत गीता के कितने अध्याय हैं इन अध्यायों के नाम भी बताएंगे। जी बेटा बताइए, आपको जो श्लोक याद है कोई भी सुना सकते हैं। पत्रम पुष्पम फलम दोयम योमे भक्ता प्राश्ति स्तम भक्ति अपरतम मानी प्रीति आत्मा ने अगर कोई प्रेम और श्रद्धा से मुझे फल फूल पानी और पत्ता भी अर्पण करता है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। जय श्री राम। अच्छा ये बताओ भगवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? 12। इसमें कुल कितने श्लोक हैं? 700। भगवत गीता के पहले अध्याय का नाम क्या है? विषाद योग। ठीक है। जय श्री राम। आपका नाम? मेरा नाम रवीना देवी है, मैं कथा एजुकेशन ट्रस्ट स्कूल में पढ़ती हूँ। हमें यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जाती है और आज मैं आपको नौवें अध्याय का श्लोक सुनाने जा रही हूँ। यान्ति दीवाने देवर्ता पितर यान्ति पितरवता भूतान यान्ति भूतज्ञा ज्ञान्ति मदिया जनापुरी माम। जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा जो पितरों की पूजा करता है वो पितरलोक में जाता है, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतलोक में जाता है, और जो मेरी पूजा करता है वो मेरी शरण में आ जाता है। महाराज जी क्या सुनने वाला है अभी? ये आपको प्रभात सिंह सुनाएंगे, इसका नाम है पायल देवी और इनके पिता श्री का नाम है कालू राम। और ये आपको प्रभात सिंह सुनाएंगे। पाप कर्म कभी न करो, पर मुझको क्षमा कर दो, खाली झोली मेरी भर दो, या भेजो आपू आप जन्मों के पाप बर्बाद संध्या सपन सोई कह धर्मराज ऊपरे समुचित होई।
देखिए जी, हमारे सुबह के टाइम में जो यानी कि हम सिंधिया पढ़ते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तो वो आप अच्छा प्यारी सास संगत, ये हमारी बहन है, मेरी छोटी बहन है। और गुरु जी क्या सुनने वाले इनसे? ये लक्ष्मी देवी है और ये रंगीला मेहमान यूट्यूब चैनल के छोटी सिस्टर है। और ये आपको श्रीमद् भगवद गीता के जो खुलासे के तौर पर जो ध्यान किया गया पूरे अध्याय का खुलासा, वो मुख्तसर ये आपको सुनाएंगे दूसरे अध्याय का। सुनाओ। अर्जुन कहे श्री कृष्ण को, सुनो कृष्ण भगवान, देखना जाऊं जो आज मैं दो सिंह महान, जो वीर लड़ने आए क्या का इनके नाम, सेना संग कितनी लाए, रथ मेरे को ले चलो दो सेना दरमियान, बेजर मानो मम कथम, सुनो कृष्ण भगवान। दूसरा अध्याय सांख्या योग। ये मेरी छोटी बहन थी, इन्होंने श्लोक सुनाया और यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता जी का भी ज्ञान दिया जाता है और सिखाया जाता है। घरों में भी बच्चे अक्सर भगवद गीता साहिब का वो पाठ करते हैं। गुरु जी का नाम है स्वामी धर्मराज जी, इन्होंने यहाँ पर सेवा की है, जितने भी बच्चे हैं इन्होंने ही आगे जो शिक्षा दी है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर सिंधिया के टाइम, रात के टाइम और भक्ति सेवा भी होती है, वो हमारे गुरु जी है ना, भजन भी लिख के देते हैं। अच्छा मखन भाई, आप यहाँ पर आए, क्या कुछ लगा है? पूरी यानी कि पाकिस्तान भी आप घूमे, पूरे पाकिस्तान में घूमे, क्या ऐसा स्कूल या ऐसा कहीं आपको देखने का मिला है कि नहीं? नहीं, ये जो है फर्स्ट टाइम मैंने हिंदी स्कूल देखा है, जहाँ पे हिंदी की शिक्षा भी दी जा रही है, उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि जैसे कि मेरी वीडियो पे हिंदू भाई कॉमेंट करते हैं कि आप हिंदू होते हैं और आपको हिंदी नहीं आती, तो इस लिहाज से ये मुझे और भी अच्छा लगा है कि ये जो हमारे हिंदू भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, इनको तो हिंदी आया, मतलब लर्न कर रहे हैं, इनको तो हिंदी आएगी, कल को इनको कोई नहीं बोलेगा कि आप हिंदू होते हैं और आपको हिंदी नहीं आती। हिंदी नहीं, तो बहुत अच्छा लगा है कि यार पाकिस्तान में ऐसा स्कूल है, ऐसा ट्रस्ट है जो बच्चों की सेवा के लिए सोच रहा है। तो गुरु जी आप कोई मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से? यही मैसेज है कि अपने बच्चों को धार्मिक शिक्षा भी दें, दयालु तालीम भी दें, ताकि धर्म से जोड़ें और ताकि वो मुल्क की भी खिदमत कर सकें और अपने धर्म की भी खिदमत कर सकें। तो प्यारी सत्संग जी, आपने देखा कि हम पाकिस्तान जैसे प्यारे देश में अपने आज़ादी से रहते हैं, अपने तीज त्यौहार मनाते हैं, जितने भी आप हमारी वीडियो देखते हैं, जितने भी आप हम हैप्पी होते हैं। और आज आपको हमारा जो ये स्कूल है ये मुकम्मल ही आपको विजिट कराया, हमारे बच्चे जो धर्म की शिक्षा ले रहे हैं वो भी दिखाएं। अच्छा आपने क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, आगे जितना हो सके लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय श्री राम, बाय बाय दोस्तों।